ये देखिए गाइस, यहाँ पर इसने सुबह सुबह कट भिजवाया है और बहुत ज़्यादा डीप लगा है, और हम इसे इमरजेंसी में लेकर आए हैं। क्या हो गया बच्चा, रोना थोड़ा, ब्रेव बच्चे हो ना, अब शरारते तो नहीं करोगे, प्रॉमिस, फिर रोना नहीं, ब्रेव गर्ल है ना। सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द अनदर व्लॉग, एंड टुडे इज संडे, और संडे आप देख सकते हो कि हमारा कैसे स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको क्लिप डाली थी हॉस्पिटल की, वहां पे हम इमरजेंसी में थे, ज्यादा उन्होंने बनाने नहीं दिया, वीडियो शूट नहीं करने दिया, बट मैंने दिखाया कि इस बच्चे ने आज सुबह सुबह क्या किया। क्या किया बताओ, जरा बताओ क्या किया। अब इसकी बोलती बंद है, अभी कुछ नहीं बोलेगी, ये बैठी अपनी व्लॉग देख रही है, एंड ये देखो यहाँ पे लगी इसके, ये देखो, एंड डीप बहुत ज्यादा कट था, मैंने आपको पिक पे दिखाया है। तो वहां पे जब हम इमरजेंसी में गए, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, तो इमरजेंसी में वहां पे उन्होंने हमें ऑप्शन दे दिया था कि आप इसके स्टिचेस करवाओ या आप नॉर्मल भी इसका हील हो सकता है। सो हमने स्टिचेस नहीं लगवाए हैं, बट वही है कि संडे की शुरुआत बड़ी बेकार सी हुई। आज बेकार हुई, अच्छी हुई बताओ, बेकार हुई। अब शरारती करोगे, नहीं करोगे ना, पक्का प्रॉमिस। अब ये बच्चा शरारती नहीं करेगा, चलो, और वहां पे मैं टीरत दिखाती हूँ आपको। आ जाओ, आ जाओ, आओ 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 किट्टू किट्टू, ये किट्टू किरत किट्टू, आजो आजो आजो, आओ आओ चुजी दू, आओ चीजी दे दो। कहा खा रहे हो? मैं चैश, खा लो चीजी खा लो। और वो बैठी हुई है वहां पे हमारी, कहां पे कहां पे कहां पे, ये कपड़े इग्नोर करना क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो ऐसे ही है। देखो ये बैठे हैं बूजी, और ये है रवनूर, आज हेयर वॉश किया हुआ है उसने, एंड वो फोन पे बिजी है बिकॉज आज है फ्रेंडशिप डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फ्रेंडशिप डे जो हमें देख रहे हैं माई लिटिल माई एंजल व्लॉग्स की तरफ से सबको। आ जाओ रवनूर इकनूर, सबकी तरफ से माई एंजल व्लॉग्स की तरफ से आप सबको क्या है आज, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। क्या है? हैप्पी 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 फ्रेंडशिप डे टू ऑल। ठीक है, अब मैंने इसे बोलने के लिए भी ज्यादा मना किया क्योंकि जब बोलते हैं तो ये चीज हिलती है ना, और यहाँ पर कट है। सो हमें ड्रेसिंग कराने जाना है दो दिन के बाद, तब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, बट आज हमने स्टिचेस नहीं लगवाए हैं। सो बट फीलिंग वेरी बैड, नॉट गुड, तो बट कोई बात नहीं, इट्स अ लाइफ, होते रहते हैं छोटी मोटी चीजें, बच्चे ऐसे गिर गिर के बड़े होते हैं ना, गिर गिर के बड़े होते हैं ना। बी अ ब्रेव गर्ल, वहां पे भी डॉक्टर बोल रहा था, कहते ये तो बिल्कुल भी नहीं रो रही, और ये सच में ही नहीं रोई थी, घर में रोई थी, वहां पे जाके ये बिल्कुल चुपचाप सब कुछ करवा रही थी। वो कहते अरे वाह, ये तो रो नहीं रहा बिल्कुल भी बच्चा। यहाँ पे देखिए इस टाइम हो रही है बारिश, एंड ये देखिए हमारा ना सामने वाला, आपने बहुत सारी वीडियोस में ये पेड़ देखा होगा, ये ना नीचे गिर गया, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, ये देखो नीचे अगर मैं दिखाऊं ना बिल्कुल रूट्स, ये देखो ये बिल्कुल नीचे आ गया। समझ ही नहीं आया कि कल क्या हुआ है, कि ये कैसे गिरा, ये बिल्कुल, या तो ये बहुत पुराना बहुत बहुत ओल्ड पेड़ होगा, इसकी जो रूट्स हैं वो गल चुकी होंगी अंदर अंदर, बिल्कुल बहुत बड़ा था ये, इसको टाली बोलते हैं, सो मतलब हम टाली बोलते हैं वैसे इसका नाम, मीन्स टाली, और मतलब शीशम का पेड़ है ये बहुत बड़ा था, और आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, और इस टाइम अभी ये बिल्कुल कैप्चर नहीं हो पा रहा है कि इसकी क्या वो है, ये बिल्कुल नीचे चला गया है, बिल्कुल नीचे। अब ये देखो कैसे हटाते हैं इसको, कट करके लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, बट ये है कि अब मेरे को पीछे तक का व्यू दिख रहा है, नहीं तो अदरवाइज ये पीछे का, ये वाले जो पीछे वाले ट्री दिख रहे हैं ना वो नहीं दिखते थे, बस यही शीशम का पेड़ दिखता था। सो वेरी सैड, वेरी सैड कि वेरी गुड, अच्छा लगा।
अच्छा लग रहा है कि नहीं। इसके ऊपर देखो, इस ट्री के ऊपर नेस्ट बनाया हुआ था ना क्रो ने, बहुत सारे बर्ड्स ने, तो उनके नेस्ट का क्या हुआ होगा? नेस्ट का उनमें उनके बेबी थे, वो टूट गए होंगे, टूट गए होंगे ना। और ये देखो, ये रहा बच्चा, आज मेरा ये बच्चा सैड सैड हुआ हुआ है, आज इसके चोट चोट लगी हुई है। ये देखो, शरारते कर करके इसने क्या अपना हाल बना लिया, संडे बना लिया। नोजी पर करो, कोल्ड भी हो रहा है, चोट भी लगी है ना, और यहाँ पर भी लगी है, यहाँ पे पैर पे भी लगी है, कोई बात नहीं। ये शी इज अ ब्रेव गर्ल, ये ब्रेव बच्चा है, ब्रेव बच्चे हो ना, इधर हुई हुई तो नहीं हो रही। सोच चलिए, आज का दिन हमने बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज सुबह से इसके पीछे लगे हुए हैं, इसने सुबह सुबह हमारा संडे बना दिया था, एंड आज तो फ्रेंडशिप डे भी है, है ना। सो अभी हम दिखाएंगे, रवनूर दीदी ने हमारी फ्रेंडशिप डे के लिए एक वीडियो बनाई है फैमिली की, जिसमें इकनूर भी है, पापा भी है, मम्मा भी है, पिक्स इकट्ठी कर करके सुबह से वो बिजी थी इसी चीज में। और कीरत इस टाइम क्या कर रही है? सो रही है। कीरत सो रही है, ठीक है ना। और इकनूर क्या कर रही है? इकनूर खेल रही है ना। इधर आई तो नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं, छेड़ो नहीं, छेड़ो नहीं, छेड़ो नहीं। चलो चलो, अभी हम दिखाएंगे जो दीदी ने बनाई है, दिखा दे दीदी ने जो वीडियो बनाई है। सो चलिए, अभी हम दिखाते हैं जो दीदी ने वीडियो बनाई है। और अपना हैंकी लेके आओ बच्चे, नोजी आ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो अभी हम दिखाते हैं रवनूर ने जो फ्रेंडशिप डे के लिए फैमिली को लेकर जो बनाई है इसने, पिक्स पता नहीं कहाँ कहाँ से ली है। और चलिए देखें, हम भी देखें। चलो चलिए, आज की ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज कुछ भी खास नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं किया है इकनूर के कारण। आज पूरा टाइम इकनूर के साथ स्पेंड करना है, इसकी टेक केयर करनी है। अब जैसे रवनूर कह रही थी, मम्मा अब तो इसकी ना बहुत खातिरदारी होगी, अब तो इसको सब पूछेंगे, सब इसको प्यार करेंगे। सो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना, पैम्परिंग कर रहे हैं इसको, सब पैम्पर कर रहे हैं, पैम्पर। सो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो गिव थम्स अप, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।